मऊ में सिरफिरे आशिक ने प्रेमिका को मारी गोली, खुद को उड़ाया। खबर उत्तर प्रदेश के मऊ जनपद से है, जहां मऊ में एक तरफा प्यार में सिरफिरे आशिक ने प्रेमिका की गोली मारकर हत्या कर दी है। इसके बाद खुद को गोली मारकर खुद आत्महत्या कर ली है। घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची है। जांच पड़ताल के बाद शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। मामला मोहंदाबाद गोना कुपाली क्षेत्र के बीच गांव का है। घटना है क्या, पूरा मामला था? आज ये सूचना मिली थी कि थाना क्षेत्र ये मोहम्मदाबाद पड़ता है, इसमें देवसीपुर गांव में एक खेत में बने हुए कमरे में दो लोगों की लाश मिली है। यहाँ पे जब मौके पे पुलिस फोर्स पहुँची है तो ये बात पता चली है कि एक लड़की और एक लड़के की ये लाश है और उनको गोली लगी है। जो अभी घाव हमने देखे हैं तो दोनों को ही सिर के पास ही गोली लगी है। लड़के की गोली उसके कान के पास से निकली हुई है, पॉसिबली देख के लग रहा है कि वो खुद की मारी हुई है। लड़की की गोली जो है वो भी उसके सिर के पास ही है। और इसमें और यहाँ पूछताछ की गई तो ये पता चला है कि जो लड़की की माँ है वो यहाँ पे घटना के समय पे मौजूद थी और उन्होंने घटना देखी है। उनके बयान के अनुसार ये पता चला है, जो उनके द्वारा बताया गया, कि लड़का यहाँ पर आया था और उसने पहले लड़की को गोली मारी है और उसके बाद खुद को गोली मारी है। ये उसके लड़की के माँ का बयान है। इन घटनास्थल का मुआयना हमारे द्वारा किया गया है। इसके अलावा फील्ड यूनिट के टीम को भी यहाँ पर बुलाया गया था, उनके द्वारा भी मौके पर जो आवश्यक साक्ष्य है वो इकट्ठा किए हैं और इसमें पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है। सर क्या वजह थी? प्रपंच का मामला लग रहा है। अभी दोनों ही लड़का लड़की के मोबाइल नंबर्स भी हमने ले लिए हैं तो उनकी डिटेल्स हम लेकर के इन बातों को चेक करेंगे। जो गांव के कुछ लोग हैं या लड़के के जो पिता है उनसे बात करने पे ये बात सामने आई है कि शायद इनमें कोई संबंध थे। जो लड़के के पिता ने ये बात अभी बात करने पे बताई है, इसके बारे में और गहनता छानबीन मोबाइलों पे जब जांच होगी तो सामने आ जाएगी। अभी जो साक्ष्य है, अभी तक माँ का जो बयान है और लड़के के पिता ने भी जो लड़के और लड़की के संबंध के बारे में जो बात बताई है उससे ये बात लग रही है कि जो माँ के बताए अनुसार कि लड़के ने लड़की को पहले गोली मारी है उसके बाद खुद को गोली मारी है। अभी वहाँ पे घटनास्थल का मुआयना जो फील्ड यूनिट की टीम कर रही है वो पूरा चीज़ें बरामद कर रही है। कुछ कारतूस भी पड़े हैं और लड़के के जेब में दो जिंदा कारतूस भी रखे हुए थे एक्स्ट्रा, तो उनको भी बरामद कर लिया। प्राइमरी फेस अफेयर की बात सामने आ रही है। अभी प्राइमरी जो लड़के के पिता और उनके लड़की की माँ जो यहाँ पे उपस्थित थी घटना के समय पे, जिन्होंने घटनास्थल के संबंध में जो अपनी बयान दिया है उसके आधार पे ये बात सामने आ रही है। बाकी मोबाइल डिटेल्स और पोस्टमार्टम के बाद और चीज़ें स्पष्ट। सर एज क्या आ रही है दोनों की? दोनों की एज लगभग 20-22 वर्ष के आसपास है। थैंक यू।